अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट रहमान अब्बास, आपका फिटनेस कोच भी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल रखना है। हमें अपने प्रोग्राम के थ्रू बताना है कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। वायरल सिचुएशन में खुद को फिट रखना है, और फिट रखने के लिए वर्कआउट करना है, और वर्कआउट हमने घर पे करना है ताकि सब कुछ सेफ रहे, हम सेफ हैं, हमारे अपने भी सेफ हैं। और वर्कआउट के लिए कौन सा वर्कआउट है मैं आपको बताता हूँ। इसमें कंप्लीट बॉडी वर्कआउट हमने करना है, ये नहीं, क्योंकि मोस्टली लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा वर्कआउट किया जाए। इस प्रोग्राम में कंप्लीट बॉडी वर्कआउट करना है, हेड टू फीट। हमने अपर बॉडी मसल्स, साइड्स, लोअर पोर्शन, सब मसल्स। और इस वर्कआउट को करने के लिए किस रूटीन से करना है, क्या स्केड्यूल होना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हमने वार्म अप करना है। वैसे भी समर है, हमें पानी का ख्याल भी रखना है। वर्कआउट करते अपने पास हाफ एन ए लीटर की बॉटल आप रख सकते हैं। मोस्टली लोगों को ये होता है कि पता नहीं पानी कितना पिया जाए ड्यूरिंग वर्कआउट। बेस्ट हाफ लीटर आप पानी पी सकते हैं, लेकिन एकदम से आपने पी नहीं लेना, सिप सिप जब जब ज़रूरत हो आप पी सकते हैं। ये भी नहीं करना कि पानी नहीं पीना, क्योंकि इस तरह आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं, मसल में पेन आ सकती है, इंजरी भी हो सकती है। तो इसलिए पानी रखें, यह गुड फ्रेंड है और गुड फैट बर्नर भी है। मोस्टली लोगों को ये पता नहीं है कि फैट बर्नर, ये फैट बर्नर, क्योंकि हमारी बैड कैलोरीज और फैट को इसमें फ्लश करना है। तो इसलिए पानी को आपने इग्नोर नहीं करना, स्पेशली समर में। तो चलें वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पता भी है, क्योंकि प्रोग्राम्स आप देखते भी हैं, फीडबैक भी देते हैं, तो इसलिए वार्म अप। सबसे पहले वार्म अप करने हैं, 5 to 10 मिनट्स वार्म अप हो। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, आर्म स्ट्रेट, इसे एल्बो पे हाथ रखें और टर्न करें शोल्डर्स को, ताकि रोटेटर और लैटरल मसल जो है ना आपके मूव करना शुरू हो जाए। 10 रैप्स ईच साइड आपने करने हैं। रिब्स एरिया आपका ये टाइट हो, लूज नहीं रखना। शोल्डर आर्म ये स्ट्रेट, इसको एल्बो सपोर्ट करना है, और देन फर्स्ट एक्सरसाइज। ये वार्म अप एक्सरसाइज आपके जो फ्रोजन शोल्डर है उसमें भी यूज़ होती है। अगर आपके फ्रोजन शोल्डर हैं, उसको वार्म अप करना है, स्टिफ हो चुके हैं, तो उसके लिए ये बहुत परफेक्ट एक्सरसाइज है। आर्म स्ट्रेट एंड स्टिफ, देन स्लोली 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 रेपिटेशन मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद आप ऐसे ग्रिप कर लें और मुट्ठी को टाइट कर लें, ग्रिप स्टिफ, देन इसको बैक पे टर्न करना है, ताकि हमारे फ्रंट शोल्डर, चेस्ट और फ्रंट बैक शोल्डर पे प्रॉपर मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। स्टिफ चैन रैप्स, इसको मूव करना है। बॉडी आपकी स्टिफ होनी चाहिए, मसल लूज नहीं होना चाहिए। फोकस कंसंट्रेशन आपने रखने अपने मसल पे। उसके बाद अपने अपसाइड, देन डाउन, अप एंड डाउन। ये जस्ट वार्म अप है, अभी तो गेम स्टार्ट होनी है, ये वार्म अप आपने करना है। 2-2 सेट्स आपने करने हैं, 10-10 रेपिटेशन है प्रॉपरली। उसके बाद अब लोअर पोर्शन को वार्म अप करना है, लेग, क्योंकि नॉर्मली होता है कि लोगों से बैलेंस नहीं होता है, तो आप किसी भी चीज़ से सपोर्ट ले सकते हैं। लेग स्ट्रेच करना है, बैलेंस, ये योगा पोजिंग में भी है। इसको 2 रैप्स करने हैं ईच साइड, 5 सेकेंड स्टे के साथ। होल्ड, चेयर सपोर्ट ले सकते हैं, नहीं तो अगर बैलेंस कर सकते हैं तो इस तरह स्विच करना है। सो ये है वार्म अप। कोई भी वर्कआउट करना है तो वार्म अप वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना कभी भी वर्कआउट नहीं करना। फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे बाइसेप्स से स्टार्ट करते हैं। चेस्ट, बाइसेप्स एंड शोल्डर, ये रिलेटेड मसल्स हैं, तो इसलिए हम अपर पोर्शन को पहले हिट करेंगे। उसके लिए डंबल्स, डंबल्स नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, आप हाफ एंड लीटर बॉटल को टाइट कर ले, अगर उससे भी ज़्यादा हैवी चाहिए तो फिर लीटर पानी की बॉटल आप ले सकते हैं तो अच्छा है। डंबल्स बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, ये बेसिक फुल बॉडी वर्कआउट है। जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहते हैं कि जिनको एक्सरसाइज का नहीं मालूम कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो इस प्रोग्राम के थ्रू उन्हें पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज किस स्केड्यूल से, किस पैटर्न से हमें लेकर चलना चाहिए और बॉडी का ख्याल किस तरह रखना चाहिए। स्ट्रेट आर्म फर्स्ट, इसमें बाइसेप आपके रिब्स के साथ स्टिफ रहने चाहिए। रॉन्ग पोजिशन में क्या करते हैं लोग, यू मूव करें। अब इसमें हमारे शोल्डर मूव करें, इसमें बाइसेप का कोई पार्ट प्ले नहीं है, ये रॉन्ग है।
इस तरह तो कुछ भी नहीं बनेगा, सिवाय शोल्डर को बेचारे को इतनी टेंशन देने के, कुछ भी नहीं बनेगा। अब इसमें परफेक्ट जो एंगल है, फोकस है, ये बाइसेप आपका रिब्स के साथ स्टिफ, देन स्लोली डाउन, 1, 2, 3, 4, 5 10 रेपिटेशन। ये नहीं कि सर ने 5 रैप्स लगाए हैं तो मैंने भी 5 रैप्स लगाए, मिनिमम 10। वैसे इसके एक्चुअल होते हैं 15 रैप्स और 3 सेट्स। सो इसलिए इस बात को आपने फोकस करना है, मिनिमम 10 और स्टैंडर्ड आपने 15 रैप्स लगाने हैं। तो इसके आपने 3 सेट्स करने हैं। बाइसेप फर्स्ट, इसमें बाइसेप मसल रिब्स के साथ फिक्स है। 1, 2, 3 कंपल्सरी ईजी वर्कआउट जिसको कोई भी कर सकता है। ये नहीं कि बहुत टेक्निकल है, हमें मालूम नहीं हम इसको कैसे करें घर में, ना तो हमारे पास सामान है, क्योंकि हमें आपकी फिटनेस का ख्याल है। तो फिटनेस के लिए वो एक्सरसाइज जो ईजी है, जिसको आप कहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद 3x सेट कंप्लीट करने के बाद हमने ट्राइसेप मसल्स को हिट करना है। ईजी, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसी को आपने हैमर शेप में ग्रिप करना है, उसी पोजिशन में रहेगा, बाइसेप आपका फिक्स रहेगा बॉडी के साथ, की पॉइंट आपने नोट करने हैं, तभी मसल हिट होगा। इसको बैक पे आपने, स्लो डेमो में मैं बताता हूँ, इसको बैक पे आपने हिट करना और स्टिफ करना है, और 1 सेकेंड आपने होल्ड करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 रैप्स 3 सेट। फर्स्ट मैंने आपको बाइसेप बताया, देन ट्राइसेप। ये हो गया हमारे आर्म्स वर्कआउट में बेसिक वर्कआउट, जिसको आप एवरी अदर डे आप कर सकते हो, मतलब वीक में 3 टाइम अगर आपको सिर्फ फिटनेस का ख्याल रखना है। तो ये कंप्लीट वर्कआउट जो हमारा प्रोग्राम देखने के बाद आपके सामने आ जाएगा, तो ये कंप्लीट वर्कआउट आप कर सकते हैं, तो इतने सामान की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नाउ शोल्डर वर्कआउट। इसमें बेसिक हमने लगाना है शोल्डर प्रेस, इसको बॉटल आप ग्रिप कर सकते हैं, हाफ लीटर के बाद नहीं तो लीटर की बॉटल, ताकि इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। इसमें फर्स्ट स्ट्रेट, फुली स्ट्रेट, देन डाउन। इसमें क्या करना है, आपके जो डंबल या वेट है वो शोल्डर के लेवल तक है, मतलब टच करने के लेवल तक है, फुली डाउन आना है, स्ट्रेट स्ट्रेट 10 रैप्स, स्ट्रेट गुड स्ट्रेट। इसी पोजीशन में कोई झटका नहीं देना, बॉडी की मूवमेंट कोई ना हो, सिर्फ आपके आर्म्स मूव करें और शोल्डर पे प्रेशर आए। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है मैं देखने में आई है कि कहीं से भी आवाज़ आए ना, तो हमारे वर्कआउट के दौरान जिम में भी तो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। घर में से कहीं भी आवाज़ आए, लेकिन फोकस कॉन्सेंट्रेशन आपके मसल पर होना चाहिए। 3 सेट्स आपने करने, शोल्डर स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट डाउन, 10 रैप्स 3 सेट्स, और बिटवीन सेट्स आपकी ब्रेक 30 to 40 सेकेंड हो। अगर आप एग्जॉस्ट हो रहे हो तो 1 मिनट आप ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि समर है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन शोल्डर, और ये बहुत कंपल्सरी एक्सरसाइज है, लैटरल रेज। इसमें आपने स्ट्रेट आर्म्स कर लें, शोल्डर और पाँव की पोजिशन सेम लेवल हो, जितने आपके शोल्डर विड्थ हैं उसी पे आपने पाँव की विड्थ करनी है, क्योंकि मोस्टली होता है नहीं पता चलता जी पाँव कितने खोले हैं कितने बंद करने हैं, तो इट्स परफेक्ट जितने आपके शोल्डर विड्थ हैं उतने पाँव का गैप हो। डंबल्स, पानी की बॉटल्स जो आपके पास अवेलेबल है, इसमें स्ट्रेट आर्म होल्ड, देन डाउन, स्ट्रेट अप होल्ड, देन डाउन, स्ट्रेट अप होल्ड, देन डाउन। अभी साइड से भी मैं आपको करके बताता हूँ। इसमें थाइस के साथ आपने डंबल रखना है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, लैटरल रेज मसल्स के लिए, आपके फ्रंट शोल्डर साइड्स के लिए 3 सेट्स 10 रैप्स, और इसमें जो ब्रेक आनी है वो 30 to 40 सेकेंड की आनी है।
क्योंकि ये चीज़ें साथ साथ बताता हूँ ताकि बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल लोगों को पता चले कि इसको कैसे बैलेंस से लेके चलना। उसके बाद अगेन मैं शोल्डर बताऊँगा, वो होगा आपके ट्रैप्स मसल्स के लिए, जिसको मोस्टली कहते हैं कॉलर्स के लिए, और कॉलर बोन क्लियर करने के लिए भी, क्योंकि मोस्टली यहाँ कॉलर बोन नहीं होती, फैट होती है, तो उसके लिए भी परफेक्ट है। इसमें विदाउट वेट जो फीमेल्स हैं विदाउट वेट करें, और जो अगर मेल करना चाह रहे हैं तो हाफ लीटर या इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं आप जितना ले सकते। इसको मैं पहले विद वेट करता हूँ फिर विदाउट वेट करके बता दूँ। इसको फोरहेड लेवल तक मैंने लेके आना है। आप इसमें आपके कॉलर बोन मसल मूव करेंगे, ट्रैप्स और कॉलर बोन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेक स्ट्रेट हो, डाउन नहीं करने, ताकि ये प्रॉपर मसल मूव करें। यही तो गलती होती है बार बार बताने का, ये है कि आपने मिस्टेक नहीं करनी। अप एंड डाउन, ये है विदाउट वेट। अब इसको विदाउट वेट कैसे लगाएं? ग्रिप कर लें, आर्म्स आपके बिल्कुल स्ट्रेट हों, आर्म स्ट्रेट होंगे तभी ये कॉलर बोन मसल मूव करेगा। अब इसको सिंगल हैंड से मैं लगा के बताता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली पता चले। अप एंड डाउन, ये कॉलर बोन प्रॉपर मूव करेंगे, जो स्पेशली कॉलर बोन के लिए। 2, 3, 4, 5 विदाउट वेट फॉर फीमेल्स। इसको हाई रेपिटेशन में करें, जितना हाई रेपिटेशन में करेंगे मसल स्टिफ होगा। हाई रेपिटेशन का मतलब ये है कि आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल स्टिफ होते हैं और जो फैट है एज अ फ्यूल ड्यूरिंग वर्कआउट में यूज होती है, तो इसलिए हाई रेपिटेशन होता है रिप करने के लिए, टोन अप करने के लिए। इसको विदाउट वेट 1, 2 आर्म स्ट्रेट एंड स्टिफ, 3, 4, 5, 6 सो ये है कॉलर की एक्सरसाइज, शोल्डर वर्कआउट कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट मसल हम हिट करेंगे चेस्ट, जो बेसिक है डाउन साइड्स, लेकिन इसमें मैं जो इफेक्टिव एक्सरसाइजेज है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें अंडर आर्म फैट, साइड, ट्राइसेप मसल और यहाँ पे जो फैट है उसके लिए इफेक्टिव है। इसके लिए वेट की ज़रूरत है। वैसे तो इसकी क्रॉसओवर मशीन होती है, लेकिन क्रॉसओवर ऑब्वियसली कमर्शियल लेवल पे, तो हम डोमेस्टिक लेवल पे इसी एक्सरसाइज को कैसे कर सकते हैं? डंबल वेट आप ले लें, बॉटल वेट ले लें, आर्म स्ट्रेट एंड स्टिफ, इसको चिन लेवल तक आपने लेके आना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैन रैप। फर्स्ट इसमें मसल आपका हिट होगा चेस्ट, उसके बाद आपके शोल्डर साइड और अंडर आर्म पैड को भी ये रिमूव करेगा स्पेशली, और थर्ड मसल है आपका बाइसेप। 3, 4, 5 इसमें रेपिटेशन आपने 15 रैप्स करने हैं और 3 सेट्स, इसी गैप से इसी परफेक्शन के साथ के आर्म्स आपके स्ट्रेट एंड स्टिफ। ये है प्रॉपर ट्रेनिंग, लेकिन अभी बाकी है, क्योंकि अब हम करेंगे लोअर पोर्शन के लिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका लोअर पोर्शन जितना स्ट्रांग होगा इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है लेग वर्कआउट के लिए, आपकी लोअर बेली कभी भी नहीं बनती, क्योंकि हम लोअर पोर्शन को स्किप करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा लोअर पोर्शन लोअर बेली ख़त्म नहीं होती, तो इसलिए लेग वर्कआउट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फर्स्ट स्क्वाट्स सबको पता है, स्ट्रेट डाउन, 1, 2, 3 अब इसी में इंटेंसिटी और लाने के लिए मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इसमें। डाउन, इसको बॉक्सिंग शेप में आपने लेके आना है कि जैसे आप बॉक्सिंग कर रहे हो। स्क्वाट्स लगाने, डाउन देन अप, 1, 2 डाउन अप, 2 डाउन, 1, 2 डाउन, 1, 2 डाउन, 1, 2 इसमें आर्म्स भी आपके टोन अप और लोअर पोर्शन भी, क्योंकि बॉडी को परफेक्ट रखने के लिए ओवरऑल मसल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट टेक्निक से। इसके बाद वॉकिंग लंजेस, जो हमारे ग्लूट्स मसल्स के लिए और हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और क्लाइंट स्टूडेंट्स इसे भागते क्योंकि ये थोड़ी स्टिफ है,
इसमें जितनी लेग आप वाइड कर सकते हैं, अगर आपसे बैलेंस नहीं होता तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। देन डाउन, वन टू थ्री फोर, पोस्चर आपका स्ट्रेट रहना चाहिए, आगे की तरफ नहीं झुकना चाहिए। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, स्विच। ओके, फेवरेट एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए लेग। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, कंप्लीट वर्कआउट। और इसको आपने करना है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि अपनों का ख्याल रखना है और आपने स्पेशली रखना है क्योंकि आपसे जुड़े हैं आपके अपने। तो इसके लिए आपने ये प्रॉपर वर्कआउट करना है अपनी सेहत को फिट रखने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसको फॉलो करें, रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहें, फिट रहें, हमारी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।